खबर है जनपद बहराइच से अज्ञात कारणों से लगी आग। घर में रखा काफी सारा सामान हुआ जलकर राख, पलभर में जलकर हुआ राख, एक गरीब का आसियाना। मामला जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बहादुरपुरवा के मचरा बन कटवा का है, जहां पर अचानक आग लगने से घर में रखा सामान व नकदी कपड़े जलकर हुए राख। पीड़ित का नाम होली पिता नियाज अली, बेचन पुत्र नियाज अली, मैनुद्दीन पिता नियाज अली, निवासी बनकटवा जो फूस की झोपड़ी में पैसे मजदूरी कर रहते अपने जीवन यापन। अचानक रात लगभग 8 बजे पल भर में देखते हुए आग का कहर इतना बढ़ गया कि एक घर में रहने वाले तीन भाई को चंद मिनटों में घर जलकर राख हो गया। वहीं बाल बाल बच्चे, घर के परिजनों और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। तो ही मौके पर सूचना मिलने के ही मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान साकिर और लेखपाल विक्की। देखिए खास रिपोर्ट बहराइच से, अहमद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? होली। कौन सा गांव है? बनकटवा। प्रधान जी आपके कौन है? साकिर। ये घर कैसे जला है? अब पता नहीं भैया कैसे जली, इधर लोका बना ही। कितने टाइम आग लगी है? 8 बजे रात में। हाँ रात में। लगभग कितना नुकसान हुआ है? अरे लगभग नुकसान तो भैया बहुत हुआ। यहाँ पर मौके पे कौन कौन आए थे? पूरा गांव रहा। प्रधान जी आए थे? प्रधान जी आए, नेपाल आए, नेपाल साहब आए थे। ये मकान फूस का था या पक्का था? फूस का। प्रधान द्वारा और नेकपाल द्वारा को आश्वासन दिया गया है? हाँ दिखा रहा है। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये? बनकटवा। ग्राम पंचायत बनकटवा है। प्रधान जी यहाँ के कौन है? ये है हाफिज जी, नरकुटिया के हाफिज जी। ये घर कैसे जला है आपका? बाप बता कैसे। अचानक आग लगी है? घर में कौन कौन थे यहाँ पे? खबर बहराइच से, पिता ने किया अपने बेटे को संपत्ति और जायदाद से बेदखल। ताजा मामला जनपद बहराइच के विकास खंड सुपुर व तहसील अनपारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रोमापुर धुबियाहार, जहां पर मोहम्मद हनीफ अपने बड़े बेटे मोहम्मद हुसैन को संपत्ति से किया बेदखल, जो शुरू से आजाद खालों का रहा और जो अरसा करीब 6 वर्ष पिता की इजाजत के बगैर मुंबई कमाने चला गया था। उसके बीच आवाजाही के दौरान ग्राम लेलापारा दखला दोहरारा व तहसील दोहरारा जनपद लखीमपुर खीरी निवासी मुस्तकीम की बेटी सफ्यूर की संपर्क में आ गया और मेरे नाराजगी के बावजूद भी मेरे खिलाफ जाकर उसने स्कूल से शादी कर ली, जिसके बाद मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहा। तो वहीं मुस्तकीम पर घर जमाई बनकर रहने लगा तथा अपनी सारी कमाई भी उन्हें को सौंपता रहा। पिछले कई सालों से मेरे सेवा और परवरिश में भी नहीं कर रहे हैं और हाल ही भी चाल चाल भी नहीं ले रहे हैं। पिता मोहम्मद हनीफ का कहना है कि हमारे बेटे मोहम्मद हुसैन का हम लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तो हमारे दुख सुख में शामिल है, इसलिए मोहम्मद हुसैन के हमारे चल अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहा। बिना जोर दबाव के गवाहों के साथ बेदखल किया अपने बेटे मोहम्मद हुसैन को। देखिए रिपोर्ट अहमद हुसैन के साथ। क्या नाम है आपका? कौन सा जगह के निवासी हैं आप? रामपुर धुबियाहार। जिला कौन सा है? जिला बहराइच। ब्लॉक कौन सा है? क्या समस्या है आपको? सर मेरी है कि हमारा बेटा 5 साल से मुंबई रहता था, हमारे बिन कहने के मुताबिक अपनी मर्जी से उसने शादी भी कर लिया वहाँ से दोरारा से। अब वो सर हमारे घर आता भी नहीं है। लड़के का क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन नाम लड़के का। वो वहीं संबंध रखता है अपने ससुराल से, वहीं आता जाता है, वहीं सब कुछ, उसके परिवार भी, उसका बीवी बच्चा भी रहता है और हमसे कोई लेना देना भी उससे नहीं है, ना हमसे कोई वास्ता रखता है, ना मुझे लेना ना देना है, ना हमारे कहने मुताबिक चलता है वो। ससुराल कहाँ है उसका? ससुराल सर दोरारा लालापुरवा। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमने उसको बेदखल कर दिया, बेदखल करना चाह रहे सर। तो उसके ससुराल वालों ने क्या आपको परेशान किया है?
क्या समस्या है आपको ये कदम की? सर वो ससुराल वाले सर, अरे उसके क्या नाम है, लड़का बम्बई रहता है, बम्बई से वहीं आता है वहीं जाता है, जो भी पैसा कमाता है वहीं अपने ससुराल में देता है, अपने बीवी को देता है, अपने ससुर को देता है, हमसे कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी वो लोग हमको परेशान करना चाहते हैं कि इनको हम परेशान करें फंसाएँ किसी इसी बिना में, तो इनसे भी कुछ पैसा मिले हमको। सर ये बातें हैं, असल लड़का हमारे कहने में है नहीं, ना हमारी मानता है ना हमारे पास आता है। जी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, वो कुछ भी करता है कुछ भी करे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने यहाँ से उसको बेदखल करता हूँ, अपने संपत्ति से अपनी जायदाद से उसको बेदखल करता हूँ, हमसे कोई मतलब नहीं है। खबर जनपद बहराइच से, बिना खड़ंजा निर्माण कार्य के ही लाखों का किया वारानेरा, ब्लॉक प्रमुख ने डीएम को लिखा पत्र। बहराइच जिले के ब्लॉक विकासखंड बलहा के ब्लॉक प्रमुख ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। ग्राम प्रधान ननपारा के देहात पीर गुलाम व ग्राम विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कार्यवाही किए जाने की मांग की है। तो वहीं ब्लॉक बलहा के विकासखंड ब्लॉक प्रमुख विजय कुमार वर्मा ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र लिखा है कि जिसमें ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि विकासखंड बलहा के ग्राम ननपारा देहात के भज्जापुरा निवासी फरमान मकान से होलिका दहन स्थल तक खड़ंजा का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जबकि ग्राम प्रधान पीर गुलाम व ग्राम विकास अधिकारी फर्जी खड़ंजा का निर्माण कार्य दिखाकर लाखों रुपए निकाल लिया है। तो वहीं सूत्रों के अनुसार जब इसकी जानकारी मीडिया की हुई तो मौके से भूपिंदर सिंह पत्रकार अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामों से एडीओ पंचायत से इसकी जानकारी ली तो सत्य पाया गया। इसके ऐसे ही नहीं, इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाए, साथ ही ग्रामीणों की मांग पर उन्हें उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया जाए। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होता है या फिर ऐसे ही। बहराइच से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। ये भज्जापुरा है ना, नानपारा भज्जापुरा। अच्छा, ये कौन सा मौजा लगता है? नानपारा देहात लगता है। तो ये जो खड़ंजा, ये जो खड़ंजा आज ईटा गिर रहा है, तो पता चला कि ये खड़ंजा निर्माण कार्य का जो है पैसा बहुत समय पहले इसका पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, और ये खड़ंजा का कार्य हुआ भी नहीं, पेमेंट भी हो चुका है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब इसकी जानकारी हुई हम लोगों को जी, तो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा हम लोग शिकायत किए हैं इसकी जी, इसकी निष्पक्षता से जांच हम लोग चाह रहे हैं जी, जी। और खड़ंजा जब ही लगेगा, जब डीएम साहब आकर खुद निरीक्षण करेंगे जी, इस पर कार्रवाई होगी तभी खड़ंजा लगेगा। सर क्या नाम है आपका? एमपी सिंह जी। सर किस पद पर तैनात है? मेडियो पंचायत जी। जी अभी भज्जापुरा में आप जाँच करने के लिए गए थे खड़ंजा को लेकर के, तो वहाँ पर आपको क्या मिला मौके से? मौके पर पैसा निकाल लिया गया है जी, और अभी वर्तमान में जी ईटा आ रहा है ट्राली से जी, और काम नहीं हुआ है जबकि पैसा निकाल लिया गया है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि खड़ंजा का जो कार्य इस समय के लिए ईटा गिराया जा रहा है, इससे पहले इसका पेमेंट हो चुका है, खड़ंजा का कार्य हुआ भी नहीं है। तो आप मौके से गए, आपको क्या मिला वहाँ पर, ये बात सही है? हाँ सही है, सही ना। तो इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है? हम अभी तुरंत सूचना भेजेंगे जी अधिकारियों को कि इस तरह से हुआ है। मतलब मौके से आपको ये चीज़ मिला कि यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है वो सही है, खड़ंजा कार्य नहीं हुआ है ना? हाँ, बिना कार्य कराए पेमेंट निकाल दिया गया है, ये सही है जी। तो सर ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर मौके से खड़ंजा हम लोग लगवाने नहीं देंगे जब तक डीएम साहब खुद मौके से जांच नहीं करेंगे कि अगर ऐसा हुआ है, पेमेंट हो गया है, तो खड़ंजा कार्य होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब तक डीएम साहब खुद रहेंगे तब तक हम खड़ंजा का कार्य नहीं होने देंगे यहाँ पर। मौके काम नहीं हुआ और पैसा निकाला गया ना। ठीक ठीक।
हैवान बना शिक्षक पत्नी को मारा कर घर के बगल में किया दफन। जी हां, जिले के एक बार फिर रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है, जहां वसीहत का खूनी खेल खेलते हुए एक शिक्षक ने हैवानियत के सारे हदें पार कर दी और जिससे पत्नी से प्रेम विवाह किया था उसी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने का दफन कर दिया। मामला तब खुला जब मृतक के भाई ने पुलिस में न जाने का वादा करते हुए आखिर बार बहन का चेहरा देखने के मिन्नतों की तो हैवानियत पति ने अपने जुर्म के राज से पर्दा उठा दिया और जमीन के कई फुट नीचे निकल गया। 21 वर्ष विवाहित का से दिल को दहला देने वाली यह मामला जनपद बहराइच के थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र का पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में की लिया है और से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना दरगाह क्षेत्र के बक्सीपुरा से दिल दहलाने वाली मामला सामने आई है, जहां एक शिक्षक पति ने अपने पहली पत्नी को हत्या की और फिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए तो और घर के बगल में खाली पड़े फ्लैट पर दफना दिया। मृतक का भाई ने बताया कि उसकी बहन हिमांशु वर्मा 2017 में जब उसकी उम्र महज 16 वर्ष की थी तो पवन गुप्ता नाम के युवक के साथ घर से भागकर प्रेम विवाह कर ली गई। तब से पति पत्नी बक्सीपुरा इलाके में रहने लगे और उनके 2 साल के छोटे बच्ची भी है। भाई ने बताया कि शादी के बाद से वो अपनी बहन से मिलते जुलते रहे। बीते 18 अप्रैल 2022 को भाई ने जब अपनी बहन को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। बहन का फ़ोन पूरे दिन ऑफ आने पर दूसरे दिन भाई उसके घर जा पहुंचा। आरोपी पति ने बहन के गुस्से से घर चले जाने की बात बताई। भाई के मुताबिक उसके बाद लगातार बहन के तलाश जाती रही लेकिन उसका कोई अता पता नहीं हुआ। मृतक के भाई ने बताया कि बहन की कोई सुराग न लगने पर शनिवार शाम को जब करीब आरोपी से पूछा गया तो अलग अलग बातें बताने लगा। शक होने पर परिजनों द्वारा पुलिस में न जाने और बहन का चेहरा आखिर देखने के घंटों मिनटों के आरोपी ने शव के बगल वाली खाली प्लाट में दफन होने की बात बताई। आरोपी के निशानदेही पर खुदाई की गई तो खाली पड़े प्लाट से मृतक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद थाना दरगाह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देकर मामले आगे की छानबीन शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट अहमद हुसैन के साथ। दिनांक 23/4/2022 को ऋतिक वर्मा सनाब सुशील वर्मा जो नवागढ़ी के रहने वाले हैं सोलवाली देहात थाना क्षेत्र के, उन्होंने आकर के दरगाह शरीफ थाने में सूचना दी कि 5 वर्ष पहले इनकी बहन हिमांशी की शादी जो किला पैलेस किया था उसने पवन गुप्ता सना स्वर्गीय शीतल प्रसाद जो भी नवागढ़ी के रहने वाले हैं इनके साथ इनकी लव मैरिज हुई थी और 2018 में ये सरकारी नौकरी में इनका चयन हुआ था, तब से मैरिज के लिए तारीफ कर रहे थे और 18/4/2022 को हिमांशी की हत्या करके उसके शव को जो है दफना दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई है, शव का उत्खनन करा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संख्या 2/1 IPC, साथ ही 3/4 DPF का मुकदमा कायम किया गया है। जो अभियुक्त पवन गुप्ता है उसको पुलिस हिरासत के लेकर पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई।